पिछले कुछ वक्त से हम देखते हैं कि टर्की लगातार पाकिस्तान के पक्ष में बयान देता रहता है और भारत के खिलाफ बोलता रहता है। कई लोग आखिर जानना चाहते हैं कि भैया टर्की आखिर ऐसा करता क्यों है, भारत ने टर्की का क्या बिगाड़ा है और टर्की की पाकिस्तान से ऐसी कौन सी दोस्ती हो गई कि टर्की उसको निभाता है। दरअसल में टर्की फ़ायदा उठाना चाहता है सऊदी अरब से, अरब वर्ल्ड की नाराज़गी का। सब जानते हैं सऊदी अरब के अमेरिका से काफ़ी अच्छे रिश्ते हैं और एक तरह से इस इलाके में मुस्लिम वर्ल्ड में अमेरिका की चलती है वजह से, क्योंकि सऊदी अरब उनका अच्छा दोस्त है और सऊदी अरब मुस्लिम वर्ल्ड का रहनुमा बना बैठा है। लेकिन तुर्की उस मुस्लिम वर्ल्ड का रहनुमा बनना चाहता है किसी भी तरह से और वो उन सभी देशों पर अपनी चलाना चाहता है जो 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 या तो इस्लामिक नेशन है यहाँ पर या वहाँ पर मुस्लिम जो आबादी है वो काफ़ी ज़्यादा है। और यही कारण है कि टर्की लगातार मुसलमानों के बारे में बात करता है लेकिन वो ये भूल जाता है कि जब वो मुसलमानों की बात करता है तो उसको पाकिस्तान के मुसलमानों की बात करनी चाहिए जो दाने दाने को मोहताज है। जहाँ भारत में हर किसी की हालत काफ़ी ज़्यादा अच्छी है पाकिस्तान के मुकाबले, लेकिन वो पाकिस्तान के प्रोपोगंडे पर चलता है। दरअसल में वो पाकिस्तान को हर कीमत पे खुश रखना चाहता है। वो चाहता है कि एक ऐसा सार्क देशों जैसा एक समूह बने, इस्लामिक समूह, और उसका अध्यक्षता हो टर्की और पाकिस्तान उसमें समर्थन करे। अगर पाकिस्तान समर्थन करेगा तो किसी तरह टर्की शायद बांग्लादेश को भी मना लेगा और इसी तरह से 5-6 देशों को शायद टर्की मनाने में सफल रहे। जाहिर सी बात है जब इस तरह से कोई किसी देश का समर्थन करता है तो उसको कॉन्सिक्वेंसेस भी पता होते हैं और उससे होने वाले फ़ायदे भी पता होते हैं। बेशक टर्की को पाकिस्तान का इस बात में समर्थन करने से फ़ायदे ज़्यादा दिख रहे होंगे लेकिन फ़ायदे हकीकत में ज़्यादा होंगे नहीं, क्योंकि भारत ना ही टर्की को मुस्लिम वर्ल्ड का रहनुमा बनना देगा क्योंकि सऊदी अरब जहाँ पर है सऊदी अरब की अपनी पोजीशन से बिल्कुल भी छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करेगा। और अगर टर्की ज़्यादा इस तरह की अहमदारियाँ दिखाएगा तो टर्की में जो इंसर्जेंसी चल रही है उसको शायद सऊदी अरब भी सपोर्ट करने लगे और यही कारण है कि टर्की संभल संभल के कदम रख रहा है। लेकिन जो भी हो, इस तरह से हर बार भारत के खिलाफ बयानबाजी आखिर भारत कब तक बर्दाश्त करेगा यह देखने वाली बात होगी। खास करके जब सरकार खुले शब्दों में कहती है कि हर एक भारत में जो भी कुछ हो रहा है वो भारत का इंटरनल मैटर, और ऐसे में अगर टर्की बोलता है तो जाहिर सी बात है जवाब देना तो बनता है। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी, फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता।